उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के लिहाज से अति संवेदनशील मुरादाबाद जनपद में रक्षाबंधन पर्व को लेकर बड़ी लापरवाही नजर आ रही है। मुरादाबाद बस अड्डे पर आज सुबह से ही यात्रियों की भारी भीड़ नजर आई। इस दौरान कई यात्री बिना मास्क पहने भी नजर आए। कोरोना काल में सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील के बाद भी बस अड्डे पर लोग सामाजिक दूरी के नियम की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। क्या नाम है सर आपका? रविंदर सिंह। किस पद पे हैं? मैं परिचालक मुरादाबाद डिपो। अच्छा। पहले यात्री सबसे पहले सैनिटाइज कराया जा रहा है, फिर थर्मल स्क्रीन करा के फिर यात्री को बस में प्रवेश किया जा रहा है। सरकार की तरफ से आदेश है, रात 12 बजे से, आने वाली रात 12 बजे तक महिला फ्री है बिल्कुल सारी गाड़ियों में। लगभग कितनी गाड़ी है अब तक यहाँ से निकल चुकी है? हम लोग 40 से 42 गाड़ियाँ निकल चुकी हैं। ऐसा यह क्या है, वो क्या है, या पैसेंजर हैं ज़्यादा, यात्री महिला मानती तो है नहीं, आप किसी को रोक नहीं पाते, पैसेंजर एकदम बैठ जाते हैं भीड़ के अनुसार, अधिक है ना भीड़। नहीं नहीं बिल्कुल गलत है, मैं सबसे कहता जा रहा हूँ आपके सामने, हर प्रत्येक गाड़ी से कहा जा रहा है कि आप लोग थोड़ी थोड़ी दूरी बना कर रखिए और सीटों को क्षमता के अनुसार ही बैठिए। देखिए आपके सामने कई बसों तो उतारे भी है पैसेंजर को एकदम बस आने के अनुसार पैसेंजर बैठ जाते हैं, उसके बाद हम लोग उतार के सीटों सीट ही भेज रहे हैं बसों को। नहीं ये गलती है इनकी, कह रहा हूँ इनसे पैसेंजर से सबसे। क्या नाम है मैम आपका? शारदा। हाँ, कहाँ जा रही हैं आप? अमरोही। रक्षाबंधन है आज तो जा रही हैं राखी बांधने? भैया के राखी बांधने। मोदी सरकार ने फ्री सेवा दी है बसों के लिए, बहनों के लिए एक तोहफा दिया है, किसी से कोई भी पैसा नहीं ले जाएगा, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा करा है सरकार ने, बहुत अच्छा कर रहा है, सुविधा करिए बहनों के ताई। बढ़िया। हाँ बहुत अच्छा करा है। बढ़िया काम करा। हाँ बहुत बढ़िया काम करा, बहुत अच्छी सेवा करी है। क्या नाम है? मेरा नाम प्रीति है। प्रीति जी कहाँ है? मैं अपनी मम्मी के साथ अपनी नानी के घर जा रही हूँ, मेरी मम्मी राखी बांधने जा रही है, मेरी मम्मी पीछे खड़ी है, वो मेरी मम्मी राखी बांधने के लिए जा रही है, मैं उनके साथ जा रही हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ मैं मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, वो हर 3 साल से हमारे लिए ये बसों में किराया मुफ्त करते हैं, इसलिए हमें बहुत फ़ायदा मिलता है जाने के लिए। मोदी सरकार आगे भी अगर बनी रहती है तो हर त्यौहार पे हमें मुफ्त किराया मिलता है, इसके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद करती हूँ। यस।